अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दौर में पाकिस्तान में होम्योपैथिक अद्वियात में जो नाम सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद माना जाता है वो विल्मार श्वाबे का है, क्योंकि इनकी मार्केटिंग बहुत आला और लाजवाब है और हम में से हर एक यही समझकर इसे ख़रीद लेता है कि ये जर्मनी की बनी हुई ओरिजिनल अद्वियात हैं। लेकिन आज हम आपके सामने बहसियत विल्मार श्वाबे के एक सबका यूज़र के एक हकीकत रखेंगे ताकि आप जान सकें कि आप विल्मार श्वाबे की जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो वाकई मेड इन जर्मनी है। मैं होम्योपैथिक तरीका इलाज को ही प्रेफर करता हूँ और 6 माह कबल मैं श्वाबे ब्रांड ही इस्तेमाल करता था, लेकिन अद्वियात के बेहतर रिजल्ट्स ना आने के बायस मैंने श्वाबे का इस्तेमाल तर्क कर दिया। अगर आजकल श्वाबे की पैकिंग देखी जाए तो आपको मालूम होगा कि इसके ऊपर कराची पाकिस्तान का एड्रेस लिखा आ रहा है। अगर श्वाबे की अद्वियात प्योरली मेड इन जर्मनी है तो फिर इन पर पाकिस्तान का एड्रेस लिखना क्या मायने रखता है। जब ये पूछे तो बताया जाता है कि ये इम्पोर्टर का नाम लिखा गया है। अगर इम्पोर्टर का नाम भी है तो जर्मनी वालों को क्या ज़रूरत है इम्पोर्टर का नाम लिखने की। इसके मुकाबले में एक और ब्रांड भी मार्केट में दस्तयाब है डॉक्टर रैकवेग के नाम से। ये खालिस्तन मेड इन जर्मनी है। इसे भी कोई ना कोई इम्पोर्टर पाकिस्तान में इम्पोर्ट करता होगा, लेकिन इस दवा पर तो किसी इम्पोर्टर का नाम दर्ज नहीं होता बल्कि सिर्फ मेड इन जर्मनी लिखा होता है। इसके रिजल्ट्स भी मेरे तजर्बे के मुताबिक श्वाबे से बहुत बेहतर हैं। लिहाजा दोस्तों, मेरी इस मुख्तसर वीडियो का मकसद ये है कि मार्केट से कोई भी दवा खरीदते वक्त इस बात की तसल्ली कर लिया करें क्या वाकई वो दवा वैसे ही है जैसे उसके इश्तहारात में बताया जा रहा है। फी अमानिल्लाह।